In 1861, it was Colonel Ramsay who was commandant in Kanpur, and even he believed that it's a rumor that Nana Sahib is no more and that he's still alive. नाना साहिब के डेथ क्लेम्स नहीं रुके। एक 60th इन्फेंट्री के सिपाही ने नाना साहिब की डेड बॉडी देखने और क्रिमेशन में शामिल होने का दावा किया। एक यूरोपियन जिसको नाना साहिब की आर्मी ने किडनैप किया था, उसने नाना साहिब को तिब्बत में स्पॉट करने की बात की और सेम क्लेम सिपाही रामदीन ने भी किया जो लखनऊ जेल में सजा काट रहा था। दोनों के क्लेम में एक बात कॉमन है कि नाना साहिब का हुलिया फकीरों जैसा। From the 1860s onwards, we get lots of different accounts of Nana Sahib dressed as a sadhu, as a fakir. 1863-64 के बीच कई लोगों को under suspicion arrest किया गया। ज्यादातर लोग mistaken identity के शिकार बने। कुछ लोगों को witnesses ने identify करने से इनकार कर दिया। तो कुछ लोग reward पाने के लिए नाना साहिब बनकर अपने आप को arrest करवाते रहे। 1877 से 1890 के बीच नाना साहिब कई दूसरे देशों में भी देखे गए, जैसे मेका, मिडल ईस्ट, रशिया और भी कई कंट्रीज में। और तो और खबर आई कि नाना साहिब ने रशियन से हाथ मिला लिया है और वो अंग्रेजों पर अटैक करने इंडिया आ रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट नाना साहिब के केस में अब थक गई। उन्होंने जोश नहीं दिखाया, वेरीफाई भी नहीं। द पैशन टू हंट डाउन नाना साहिब डाइड डाउन। कानपुर रिवोल्ट को ऑलमोस्ट 40 साल हो गए थे। नाना साहिब जब 1851 में पेशवा बने थे तो उनकी उम्र 35 इयर्स के आसपास थी, मतलब अब उनकी उम्र करीब 75 इयर्स की हो चुकी थी। उनके जिंदा रहने के चांसेस कम ही थे और अब उन्हें पकड़ भी लिया जाता तो उन्हें नाना साहिब प्रूव करना डिफिकल्ट था। और आखिर 1906 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाना साहिब की डेथ का कोई एविडेंस ना मिलने की वजह से उनकी फाइल ऑफिशियली क्लोज कर। अ लार्ज पार्ट ऑफ व्हाट हैपेंड टू नाना साहिब रिमेन्स अननोन एंड देयरफॉर हाउ ही डाइड, वेयर ही डाइड, व्हेन ही डाइड आल्सो रिमेन्स अननोन। नाना साहिब की डेथ कोई हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर मूवी से कम नहीं। पिथुर से लेकर कानपुर, लखनऊ, नेपाल, तेरई, तिब्बत, मिडल ईस्ट, मेका, रशिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें पता नहीं कहां कहां हंट किया। उन्हें ढूंढ न पाना आज भी अंग्रेजों को हॉन्ट करता है। हिस्ट्री में ऐसी हंट शायद ही किसी के लिए की गई हो। मान गए आपको नाना साहब, अंग्रेजों ने हमें 200 साल तक दौड़ाया, बदले में आपने उन्हें ऐसी रेस में भगाया जिसकी फिनिश लाइन वो आज तक ढूंढ रहे हैं। नाना साहब का खजाना हमने ऑलमोस्ट हंट कर लिया, पर उनकी डेथ आज भी एक राज है और कल भी रहेगी।